शाहरुख खान के लिए ये साल काफी ब्लॉकबस्टर रहा। साल की शुरुआत में फिल्म पठान से एंट्री की और ठीक 7 महीने बाद सितंबर में फिल्म जवान रिलीज हुई। दोनों ही मूवी ने पर्दे पर नए नए रिकॉर्ड बनाए। अब साल 2023 का आखिरी भी सिनेमा में शाहरुख खान का होने वाला है। किंग खान इन दिनों साल की तीसरी बड़ी फिल्म डंकी लेकर के आ रहे हैं, जिसकी चर्चा काफी समय से हो रही है। हाल ही में फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान हुआ था, वही अब डंकी की टीजर रिलीज डेट का सोशल मीडिया पर डंका बज गया है। आइए जानते हैं कब रिलीज होगा डंकी का टीजर। दरअसल शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है, जिसके चलते सोमवार की रात को सोशल मीडिया पर #डंकीटीजर ट्रेंड कर रहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 नवंबर को फिल्म का टीजर रिलीज होगा। 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है और कहा जा रहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी शाहरुख खान अपने फैंस को जन्मदिन के तोहफे में डंकी का टीजर रिलीज करेंगे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक डंकी के टीजर लॉन्च को खुद शाहरुख खान अपने जन्मदिन पर फैंस के लिए मुंबई में एक इवेंट रखने वाले हैं और इस दिन टीजर भी लॉन्च करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड ने डंकी के टीजर को यू सर्टिफिकेट दिया है। इस खबर के बाद शाहरुख खान के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वही बता दें कि डंकी का निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा राजकुमार खिरानी फिल्म्स और जियो स्टूडियो के साथ हुआ है। वही आपको ये भी बता दें कि डंकी में शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, बोमन ईरानी भी नजर आएंगे। इसके अलावा खबर है कि विकी कौशल कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। डंकी में किंग खान अलग अवतार में नजर आएंगे, जो पहले किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिला। ये फिल्म 21 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगा।